नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर 7 जो है दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, इसमें आपको दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है जो मेनली फोकस हम करेंगे। एक तो सेंटर ऑफ मास के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, उसके बाद फिर रोटेशन मोशन पे आएंगे हम लोग। सबसे पहले पार्टिकल क्या होता है, आपको पता होगा कि भैया एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये आपको सबको पता है कि दुनिया में सब चीज़ें किससे मिलकर बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से। ठीक है, अब आपने जैसे बहुत सारे एग्जांपल करे, जैसे आपने एक कार की बात करी कि कार अगर एक वी वेलोसिटी से जा रही है तो कार की वेलोसिटी कौन से पॉइंट की आपने ली है वेलोसिटी, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। कार में तो बहुत सारे पॉइंट है, कार इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पार्टिकल, है क्या नहीं? कार किससे मिलकर बनी है? इनफाइनाइट पार्टिकल की। आप इस पार्टिकल की बात कर रहे हो या इसकी बात कर रहे हो, कौन सा पार्टिकल की बात कर रहे हो? पार्टिकल तो बहुत सारे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक पार्टिकल की तो बात करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली अपन जो बात कर रहे थे जाने अनजाने में, जैसे एफ इज इक्वल टू एम ए लिखते हैं अपन फॉर्मूला, तो ये एक्सिलरेशन कौन सा लोगे आप, कौन से पार्टिकल का लोगे? क्या पार्टिकल का नाम लिखते हो क्या, पी वन पार्टिकल, पी टू पार्टिकल, केवल एक्सिलरेशन लिखते हो आप? ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन आप लिख रहे हो तो ये कौन से पार्टिकल का? तो एक्चुअली हम जो बात कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे, सेंटर ऑफ मास की। मतलब हर बॉडी का क्या होता है, एक सेंटर होता है। तो हम जो बात कर रहे थे, मतलब ये जो कार है तो कार में हम एक सेंटर की बात कर रहे थे। कुछ भी एक सेंटर होगा, अपन निकालते सीखेंगे कैसे निकाला जाता है ये। तो बॉडी सबसे पहले किससे मिलकर बनी होती है, बहुत सारे पार्टिकल से बनी होती है। बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, और हम अगर बॉडी का वेलोसिटी वगैरह कुछ भी लेते हैं तो वो किसका लेते हैं, सेंटर ऑफ मास का ही लेते हैं। अच्छा, अब बॉडी एक्चुअली रिजिड बॉडी लेते हैं, कैसी बॉडी लेते हैं, रिजिड। रिजिड बॉडी का मतलब ऐसी होती है जो अपना शेप चेंज नहीं करती। जैसे आपका आटे का लोया हो गया, वो तो शेप चेंज कर लेगा, आप अगर उसको फेंकोगे तो वो इस तरीके से कुछ तो भी चेंज हो जाएगा, हमारा शेप डिफॉर्म हो जाएगा उसका शेप, ठीक है ना। तो हम उसको रिजिड बॉडी नहीं कहेंगे। रिजिड बॉडी जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, टफ हो गई, जिसमें जितने भी पार्टिकल हैं उसकी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की दूरी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, कभी बदलेगी नहीं कि कल तो ऐसी थी परसों ऐसी हो गई, ये तो कैसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको कहते हैं अपन रिजिड बॉडी, और बॉडी इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो मैंने दे दिया, अदरवाइज तो इसमें बहुत सारी थ्योरी है। अब अपन जो बात करते हैं रिजिड बॉडी के, यहाँ पर कौन कौन से मोशन पॉसिबल है। सबसे पहला मोशन कौन सा होता है, इसमें तीन टाइप के मोशन डिफाइन है, एक होता है ट्रांसलेशन, एक होता है रोटेशनल, और एक होता है तीन दोनों का कॉम्बिनेशन। इनके आगे प्योर शब्द लगा दिया जाता है। प्योर ट्रांसलेशन का मतलब कि केवल और केवल यही होगा, फिर इसमें ये नहीं होगा। प्योर रोटेशनल का मतलब केवल और केवल ये होगा, ये नहीं होगा, और कॉम्बिनेशन बोल दिया तुमने तो अब तुम समझ गए कि इन दोनों का मिक्सिंग होगा। पर अपन समझ लेते हैं कि प्योर ट्रांसलेशन मोशन हम किसे कहते हैं। प्योर ट्रांसलेशन मोशन में क्या होगा, इसकी मेन डेफिनेशन क्या है, जैसे एक बॉडी है ना, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक बॉडी है जो कुछ एक प्लेन है जो थीटा एंगल से यहाँ पर क्या है, इंक्लाइंड है, और इसके ऊपर एक बॉडी यहाँ पर स्लाइड हो रही है। अच्छा, बॉडी किससे मिलके बनी है, पार्टिकल से मिलके बनी है। अब यहाँ पर जितने भी पार्टिकल है सबका वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना, सब एक जैसे ही मोशन में जाएंगे। अगर आप एक पार्टिकल को लोगे तो वो कैसा जा रहा, सीधा, दूसरा पार्टिकल लोगे तो वो भी कैसा जा रहा, सीधा, एक ही स्पीड से जा रहा, कोई इसमें चेंजेस आ रहा है क्या, नहीं। तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन की डेफिनेशन क्या हो जाती है कि ऑल पार्टिकल मूव्स विद दी सेम वेलोसिटी, इसमें वेलोसिटी का बदलाव नहीं होगा, सेम वेलोसिटी के साथ जाएंगे। अभी अपन देखेंगे वेलोसिटी में कैसे चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टिकल कैसे चलेंगे, एक जैसे, कोई सा भी मोशन ले लो। अच्छा, अगर एक ब्लॉक को अगर आप खिसका रहे हो इस तरीके से, स्लाइड कर रहे हो यहाँ से फोर्स लगा के, तो इसमें भी सारे पार्टिकल जितने भी है वो सब कैसे चल रहे हैं, एक जैसे तो चल रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि एक पीछे रह गया, एक धीरे चल रहा है, तो टुकड़े ही हो जाते फिर ऐसे, तो है ना, बॉक्स के टुकड़े ही हो जाते हैं ना, क्लियर है। तो वेलोसिटी सबकी क्या है, सेम है, स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, वेलोसिटी है ना, नहीं तो टुकड़े नहीं होंगे। टुकड़े मतलब जनरली आप इसमें देखोगे तो इसमें भी नहीं होंगे, अभी हम जो पढ़ने वाले प्योर रोटेशनल मोशन में। ये दो टाइप से पाया जाता है, एक रेक्टिलिनियर और कर्वलिनियर। रेक्टिलिनियर मतलब सीधा सीधा चल रहा है मोशन, कैसा, सीधा सीधा, और ये कर्वलिनियर मतलब कुछ बॉडी आपका इस तरीके से कुछ कर्व टाइप से चल जाएगा। ठीक है, तो इसको कर्वलिनियर कहते हैं, ज़्यादा इसका कुछ नहीं है आपको, तो बस प्योर ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है कि वेलोसिटी सबकी क्या रहनी है, अपने को सेम लेनी पड़ेगी। तो प्योर रोटेशनल मोशन में क्या होगा, प्योर रोटेशनल मोशन में क्या होगा, मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स एक्सिस,
जिसको हम रोटेशन का ध्यान से समझ में आ रहा है तुम्हें, कि जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर ये कोई आपका, या तो फैन ले लीजिए, है ना, फैन आपको जीता जाता एग्जांपल है कि फैन क्या करता है, इस तरीके से मूव करता है। अब इसमें जितने भी पार्टिकल, ये एक एक्सिस दे रखी है और ये एक बॉडी दे रखी है, कि कुछ तो भी रेंडम सी बॉडी दे रखी है ना। ये एक्सिस है, ये क्या है, एक्सिस है, इसको आप कोई सी भी ले लो, मान लो ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है, एक जेड एक्सिस, जेड एक्सिस है। तो आपके जितने भी पार्टिकल है इसके अक्रॉस घूमेंगे, इसे कैसे घूमेंगे, यहाँ से ऐसे चक्कर लगा के आएंगे, इधर से उधर आएंगे, मतलब ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इनके पार्टिकल का, मतलब इनके जो पार्टिकल का जो रोटेशन का प्लेन है, प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ पार्टिकल, ये एक्सिस से हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं, 90 डिग्री। अच्छा, अब बॉडी अगर गोल घूम रही है, आप जैसे आपकी धरती, धरती भी कैसे घूमती है, गोल घूम रही है, धरती भी बहुत सारे पॉइंट से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। आप फैन ले लो, या लट्टू को देख लो, बॉल को देख लो, ये सब जो गोल घूम रहे हैं, गोल घूमना चाहिए अपनी जगह से, फिर चेंज नहीं करना चाहिए, केवल और केवल गोल घूमना चाहिए उसमें। अगर वो अपनी जगह से शिफ्ट कर गए तो फिर कॉम्बिनेशन होएगा, अभी बताऊंगा मैं, मतलब वो क्या होना चाहिए, केवल केवल ऐसे घूमना चाहिए, कैसे घूमना चाहिए, लाइक दिस, इस तरीके से घूमना चाहिए। तो इसको बोलेंगे अपन प्योर प्योर रोटेशन। अब अर्थ तो क्या करती है, रोटेट भी करती है और रिवॉल्व भी करती है, मतलब उसका मोशन क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि उसमें हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी भी क्या है, इसकी सेम भी है। मतलब अगर आप इसकी बात करोगे तो वो ऐसे ऐसे चले, मान लो एक तो मैं इस पर कि पृथ्वी घूम नहीं रही, केवल ऐसे ऐसे चल रही है, पर वो क्या हो रहा है कि उसके पार्टिकल कैसे सर्कल में घूम रहे हैं। अच्छा, पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं तो पता है आपको वेलोसिटी, आपको मैंने पहले भी बताया था कि सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल सर्कल में घूमते हैं तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, टेंजेंशियल होती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है वेलोसिटी का, सेम होता है, परंतु डायरेक्शन क्या होती है, अलग अलग होती है। इसीलिए हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या रहेगी इसमें, अलग अलग। मतलब बॉडी अगर घूम रही है तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर उसका डायरेक्शन बदलेगा तो पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, जैसे पंखा घूम रहा है, स्पीड तो सबकी क्या है, सेम है। आप देखते हो ना, झूले में बैठे हो, झूले में एकदम से फिका गए आप, तो किधर जाओगे, जिधर झूला रुकेगा उधर घुस जाओगे आप, इधर रुकेगा इधर घुस जाओगे, ये तो इतना तो अंदाजा हो गया आपको, ठीक है। मतलब आप पंखे पे बैठे हो, एकदम से पंखा क्या है, रुक जाएगा, तो आप पंखे से ऐसे सीधे चले जाओगे, ठीक है ना। तो मतलब ये डायरेक्शन बताता है कि सब बच्चे तो एक जैसे घूम रहे थे, सबकी स्पीड क्या थी, सेम, मतलब सबका मैग्नीट्यूड क्या था, सेम, परंतु ये जो पार्टिकल जो बैठे हुए घूमने वाले, उनकी वेलोसिटी क्या है, अलग। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अभी भी क्या है, सेम ही है, परंतु क्या चीज़ अलग हो गई, डायरेक्शन। तो प्योर रोटेशन आपको समझ में आ गया, प्योर रोटेशन में कोई भी मोशन होगा बॉडी का, एक फिक्स एक्सिस के अक्रॉस होगा, और सारे पार्टिकल क्या मोशन करेंगे, सर्कुलर मोशन। इसमें एक चीज है कि जो पार्टिकल आपका एक्सिस पर है, जो पार्टिकल आपका एक्सिस पर है, उसकी दूरी एक्सिस से कितनी है, जीरो। वो खुद कहाँ पर है, एक्सिस पर, तो वो क्या है, केवल अपनी जगह पर बस ऐसे घूम रहे हैं। बाकी पार्टिकल क्या है, एक पार्टिकल इतना दूर है वो ऐसा ऐसा घूम रहा है, दूसरा पार्टिकल इतनी दूर है वो ऐसा ऐसा घूम रहा है, तीसरा पार्टिकल इतना दूर है वो ऐसा ऐसा घूम रहा है। अब ऐसे तो कितने पार्टिकल हैं, काफ़ी सारे पार्टिकल है, पार्टिकल के पास में भी तो पार्टिकल है जो उसी रेडियस पे हैं, अनकाउंटेबल, ठीक है। तो बस अपने को तो केवल मोशन बताने में था। अच्छा, अब कॉम्बिनेशन का मोशन की एग्जाम्पल बताओ, कौन कौन से हो गए, बोल सकते हो, जैसे वो सब, हाँ मिक्सिंग है। अब जैसे अगर मैं पेन को, हाँ बॉल को अगर आप ऐसे फेंकते हो, तो बॉल कैसी कैसी जाती है, ऐसे भी जाती है और ऐसे भी जाती है, मतलब उसके पार्टिकल को देखोगे। हाँ, लट्टू को अगर आपने एक जगह पे छोड़ दिया है ना, अगर आपने एक जगह पे छोड़ दिया और सीधा सीधा घूम रहा है, तब तक तो वो कैसा मोशन कर रहा है, हमारा रोटेशनल मोशन करेगा। परंतु अगर वो ऐसे चलने भी लगा, थोड़ा सा चलता है थोड़ा सा, तब वो रोटेशनल भी आ जाएगा और ट्रांसलेटरी भी आ जाएगा। फिर क्या बात समझ में आ रही है, सिलेंडर आपका चल रहा है, आपका सिलेंडर को भी आप बहुत सारे एग्जांपल आप सोच सकते हो, सिलेंडर को अगर आप चलाओगे तो वो कोई कैसा मोशन है। अच्छा, यहाँ पर देखो, मैं अगर बॉल रख देता, आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे मैंने क्या रखा है, एक बॉक्स रखा है, तो बॉक्स कभी भी अपनी जगह ऐसा घूम घूम के नहीं जाता, वो क्या सीधा सा स्लैंट हो जाता है ना। अब इसकी जगह मैं क्या रख देता, यहाँ पर बॉल रखता, तो पार्टिकल में क्या हो जाता भैया,
उसका एक पार्टिकल सीधा भी जाता, चुप रहो, एक पार्टिकल क्या जाता, सीधा भी जाता और क्या जाता, मतलब सर्कुलर, मतलब वो दोनों क्या हो जाता, कॉम्बिनेशन, मतलब एक पार्टिकल सीधा भी चल रहा है और वो घूम भी रहा है। क्या बात समझ में आ रही है, दोनों का मिक्सचर, ठीक है। और जैसा अगर मैं आपको इसको पेन को फेंकूँ इस तरीके से वहाँ पे, तो ये ऐसे ऐसे रोटेट करते करते जाएगा, तो ये कैसा मोशन हो जाएगा आपका, ये भी कॉम्बिनेशन का मोशन हो जाएगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, है ना। एक कुमार पॉटर स्पॉट जिसको बोलते हैं, वो तो एक ही जगह पर फिक्स घूमा ही रहता है अपनी जगह पे, वो तो कैसा प्योर ट्रांसलेटरी, प्योर रोटेशनल मोशन है। तो आपको अगर एग्जाम्पल पूछने के लिए आया तो आपको डिफ्रेंशिएट भी करते रहना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, चक्री की बात कर रहे हैं अपन। चक्री घूम रही है ना, चक्री घुमाते हो आप, तो चक्री भी क्या है, अगर एक स्थान पे घूम रही ठीक है, पर वो अपनी जगह से खिसक खिसक के घूमती है। आइडियली माने तो एक जगह घूमना चाहिए, तो हम सब मान लेंगे प्योर। प्योर क्या मतलब क्या है, कि इसमें जरा सा भी ऐसा इफेक्ट नहीं आना चाहिए और इसमें इसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए, नहीं तो हम उसको किसमें डालेंगे, कॉम्बिनेशन में। पर अब जनरली अपन बात करेंगे प्योर की, तो 100% प्योर की बात करेंगे, और इस प्योर ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो 100% ट्रांसलेशन की बात करेंगे। बाकी तो फिर IIT लेवल्स के क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कॉन्सेप्ट के मामले में ये होता है। चलो।